हेलो एवरीवन, सो थंबनेल देखकर अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और आपको बहुत फायदा होगा इस वीडियो से। ये वीडियो आपको पूरा देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जो पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, ऐसे में जो भी आर्टिकल्स या डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट जारी करती है वो अधिकतर इंग्लिश में होते हैं। सो आपको जरूरी है कि कोरोना से रिलेटेड जो भी वोकैबुलरी है वो आपको पता हो, तो आप उस आर्टिकल को अच्छे से समझ पाएंगे और दूसरों को भी पढ़ा पाएंगे या बता पाएंगे जो इन चीजों को नहीं समझते हैं। इस वीडियो में करीब मैं 30 से 32 वोकैबुलरी आपके साथ डील करूंगी और अच्छे से आपको सरल शब्दों में समझा दूंगी, और जो इससे रिलेटेड इंग्लिश वर्ड्स हैं और जो इनका जो डेफिनेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन से मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको नॉलेज है तो आप एक पावरफुल पर्सन है। पावरफुल पर्सन का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास मसल पावर है, आप बहुत स्ट्रांग है। अगर आप आज के जमाने में नॉलेजेबल हैं तो आप पावरफुल हैं। ऑन दिस पॉजिटिव नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली जो वोकैबुलरी में डील करने वाली हूँ वो है प्रोनिंग। सो प्रोनिंग आप में से कई लोगों को पता भी होगा, इसका मतलब होता है कि आपका जो चेस्ट होता है वो डाउन होता है एंड आपका जो बैक पोर्शन होता है वो अप होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। सो एक ऐसी टेक्निक है जिससे लंग्स एक्सपैंड होते हैं और आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। सो डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा इसी पे जोर डाल रहे हैं कि अगर आपको ऑक्सीजन की कमी लगती है तो आप ये टेक्निक जरूर अपनाएं। सो इस पोजीशन में लेटने को बोला जाता है प्रोन पोजीशन एंड जो मेथड होता है उसे बोलते हैं प्रोनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज फोमाइट्स। फोमाइट्स मतलब ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर लाइकली टू कैरी द इन्फेक्शन। सो जो भी नॉन लिविंग थिंग है, जो चीजें हैं जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब वो चीज इन्फेक्शन कैरी कर सकती है, उन सारी चीजों का आप बोलेंगे फोमाइट्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, डोर्स, वेजिटेबल्स, सो इस तरीके की चीजें। होप फोमाइट्स आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज एंटीवैक्सर्स। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो एंटीवैक्सर्स का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो वैक्सीनेशन को अपोज कर रहे हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या न्यूज देखते होंगे तो आपको पता होगा कि कई लोग वैक्सीनेशन के खिलाफ होते हैं। अगर आपको लगता है कि वैक्सीनेशन की कोई अगेंस्ट है, चाहे वो कंट्री हो चाहे वो कोई पर्सन हो, तो आप बोल सकते हैं कि दे आर एंटीवैक्सर्स। आई गेस एंटीवैक्सर्स इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट वन इज जूनोटिक डिजीज। सो ऐसा इन्फेक्शन, ऐसा डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन में हो, तो आप उसे बोलेंगे जूनोटिक डिजीज। जैसे पिछले साल जब कोरोना आया था तो सबने सोचा था ना कि ये किस एनिमल से आया है या कहां से आया है, तो सबने बोला ये बैट से आया है। तो कोरोना क्या है? एक जूनोटिक डिजीज है। नेक्स्ट वन इज पेशेंट जीरो। सो पेशेंट जीरो मतलब ऐसा पर्सन जिसे सबसे पहली बार वो इन्फेक्शन हुआ, या बोला जाता है कि चाइना से स्टार्ट हुआ है, तो चाइना में सबसे पहली बार जिसको इन्फेक्शन हुआ होगा वो पर्सन कहलाएगा पेशेंट जीरो। द नेक्स्ट वन इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। सो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसकी इम्यूनिटी लो है या इम्यूनिटी बहुत वीक है, कमजोर है। यू मस्ट बी नोइंग दैट मोस्ट पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस बिकॉज दे आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। सो लेट्स नॉट बी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए ताकि आपको वायरस कभी ना पकड़े। अब नेक्स्ट है एपिडेमिक वर्सेज पेंडेमिक। सो इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि एपिडेमिक और पेंडेमिक क्या होता है। सो एपिडेमिक का मतलब होता है कि ऐसा कोई डिजीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर कंट्री में फैला हो, मतलब कोई इन्फेक्शियस डिजीज जो बहुत तेजी से फैल रहा है पर किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, एक पर्टिकुलर जो है एरिया में ही हो, किसी कंट्री में हो। और वहीं अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज एक से ज्यादा या दो चार पांच कंट्रीज में फैल जाए और या एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट्स में फैल जाए तो वो क्या कहलाएगा? पेंडेमिक कहलाएगा। सो कोरोना वायरस को हमने पेंडेमिक क्यों बोला? क्योंकि वो चाइना से दूसरे देशों में फैलता गया, चाइना, इंडिया, यूएस, तो इसीलिए उसे पेंडेमिक का नाम दिया गया। स्वाइन फ्लू आपने सुना ही होगा, स्वाइन फ्लू इंडिया में आता रहता है, तो स्वाइन फ्लू अगर इंडिया तक रेस्ट्रिक्टेड रहता है तो वो क्या कहलाएगा? एन एपिडेमिक। अगर वो दूसरे कंट्रीज में फैल जाता है वही जो डिजीज है तो क्या होगा? वो पेंडेमिक कहलाएगा। आई एम होपिंग कि एपिडेमिक एंड पेंडेमिक के बीच आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म है कोमॉर्बिड। तो ये तो अक्सर आपने सुना ही होगा, न्यूज़पेपर में आता ही रहता है। कोमॉर्बिड का मतलब होता है कि आपको एक से ज्यादा डिजीज है। सो ऐसे इंसान जिसको पहले से ही डिजीज है और उसको कोरोना हो जाए तो उसके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, स्पेशली जब शुगर, बीपी ऐसी चीजें हों। कोमॉर्बिड को समझने के लिए आपको जरूरी है समझना मॉर्बिडिटी रेट। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज कितने तेजी से पॉपुलेशन में फैल रहा है। कुछ डिजीज होते हैं जिनकी मॉर्बिडिटी रेट कम होती है क्योंकि वो ज्यादा पॉपुलेशन में, ज्यादा लोगों तक फैलता नहीं है, पर अभी जो वायरस है कोरोना वायरस वो बहुत सारे लोगों तक फैल रहा है तो उसकी मॉर्बिडिटी रेट क्या होगी? ज्यादा होगी।
और इस मॉर्बिडिटी से ही मॉर्बिड आया है, मतलब डिजीज, इसीलिए कोमॉर्बिड मतलब एक से ज्यादा डिजीज। द नेक्स्ट टर्म इज मोर्टेलिटी रेट। सो अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा है तो आपको पता होगा। सो मोर्टेलिटी रेट से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये आया कहां से। आपको पता है ना कि हम मॉर्टल बींग्स हैं, मॉर्टल बींग्स मतलब हम मर सकते हैं, ठीक है, हम अमर नहीं है। तो वर्ड्स होते हैं मॉर्टल एंड इमॉर्टल, ठीक है। सो मॉर्टल मतलब जो मर सकते हैं, इमॉर्टल मतलब अमर जो नहीं मर सकते। तो देखिए, आपको अगर ये नहीं पता होगा तो आपने एक और जो है वर्ड ऐड कर लिया अपने डिक्शनरी में। अब इसी से समझिए कि मोर्टेलिटी क्या होता है। मॉर्टल मतलब जो मर सकता है, और मोर्टेलिटी रेट मतलब जितने लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें से कितने लोग मर रहे हैं, मतलब कितने लोगों की डेथ हो रही है, तो वो क्या होगा, मोर्टेलिटी रेट। ये जो कोरोना चल रहा है उसमें मॉर्बिडिटी रेट भी देखी जाती है और मोर्टेलिटी रेट भी देखी जाती है। सो वी ऑल आर प्रेइंग कि मोर्टेलिटी रेट कम हो। मॉर्बिडिटी रेट ज्यादा भी होगी पर मोर्टेलिटी रेट कम हो तो थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो ज्यादा लोग मर नहीं रहे हैं, उससे रिकवर कर जा रहे हैं। आई एम होपिंग कि आपको ये सारे टर्म समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। द नेक्स्ट टर्म इज एंटी माइक्रोबियल्स। सो एंटी माइक्रोबियल्स से पहले आप ये समझिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं या माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जो बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, जैसे कि वायरस होगा, बैक्टीरिया हो गया। सो एंटी माइक्रोबियल जो है इनसे लड़ने में हमें हेल्प करता है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, एंटीबायोटिक इज डिफरेंट फ्रॉम एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स मतलब बैक्टीरिया, वायरस, सब तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज होता है ये, बट एंटीबायोटिक मतलब सिर्फ बैक्टीरिया के लिए यूज होता है। आपने जरूर एंटीबायोटिक सुना ही होगा और आपने यूज भी किया होगा। हम हमेशा बोलते रहते हैं कि प्लीज एंटीबायोटिक ले लो, एंटीबायोटिक ले लो, कुछ भी तबियत खराब होता है तो, पर हम ये समझते नहीं है कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीजेस के लिए यूज होता है, वायरल डिजीजेस के लिए नहीं होता है। सो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था जो मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए। जो नेक्स्ट टर्म है वो है फेटेलिटी रेट। सो फेटेलिटी रेट आया है फेटल से। फेटल मतलब कोई चीज कितना घातक है, कितना हार्मफुल है, ठीक है। जैसे हम इस कोरोना वायरस का देख सकते हैं कि इसकी फेटेलिटी रेट कितनी है। मान लो किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो कितने लोग ठीक हो रहे हैं और कितने मर रहे हैं। अगर ज्यादा मर रहे हैं तो बहुत ज्यादा फेटल है ना, बहुत ज्यादा घातक है। तो फेटेलिटी रेट क्या होगी, इसकी बहुत ज्यादा होगी। सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि फेटेलिटी रेट मतलब क्या होता है। नेक्स्ट टर्म इज सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर एक ऐसा पर्सन है जो वायरस को ज्यादा लोगों में फैला दे। जैसे किसी को इन्फेक्शन हुआ तो वो अगर 5 से 6 लोगों को फैला रहा है तो वो सुपर स्प्रेडर हुआ। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये बस एक स्मॉल सा इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट में दिख जाता है तो आप समझ सकें। इसलिए जो नेक्स्ट टर्म है उसे आप ध्यान से सुनिएगा, एनिमल ह्यूमन इंटरफेस। सो एनिमल ह्यूमन इंटरफेस का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे एनिमल और ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है। आपको जरूर याद होगा कि कोरोना वायरस कहां से आया था, वो चाइना के मार्केट से आया था, एनिमल मार्केट से। सो वो एक ह्यूमन और एनिमल इंटरफेस है, मतलब वहां पे ह्यूमन और एनिमल का इंटरेक्शन होता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप ह्यूमन एनिमल इंटरफेस वाले एरिया से दूर रहें ताकि आपको इन्फेक्शन का खतरा ना हो। नेक्स्ट टर्म है सिम्टोमेटिक एंड असिम्टोमेटिक। ये वैसे सबको पता है पर मैं आपको बताती हूँ कि आपको इंग्लिश में अगर किसी को एक्सप्रेस करना है तो आप कैसे बोलोगे। सपोज आपको बताना है कि मुझे वायरस के सिम्टम्स हैं, तो आप दो तरीके से बोल सकते हो। फर्स्ट, आई हैव सिम्टम्स ऑफ द वायरस, और दूसरा, आई एम सिम्टोमेटिक। वहीं अगर आपको बोलना है कि मुझे तो सिम्टम्स शो ही नहीं हो रहे हैं, तो आप बोलोगे आई एम असिम्टोमेटिक। कोशिश कीजिए कि आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसे शॉर्ट तरीके से बोलेंगे तो आसानी होगा आपको भी और सामने वाले को भी। नेक्स्ट टर्म इज कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। आपने सुना भी होगा बट हमको समझना जरूरी है कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग नाम क्यों दिया गया है। आपने जरूर बचपन में ट्रेसिंग की होगी, मतलब जैसे मैंने डॉट्स लगा दिए, ठीक है, जैसे स्क्वायर बना दिया डॉट्स मिला के, और आपको यहां से यहां तक पेंसिल से उसको पूरा ट्रेस करना है, ठीक है, तो उसे ट्रेसिंग बोला जाता था। सो वही कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का है, जिससे जिसे आप मिले हैं उनको ट्रेस करना है आपको, ठीक है, जोड़ना है, तो उससे पता चलेगा कि उनको वायरस पहुंचा है कि नहीं, या उनको भी कहीं वायरस ने इन्फेक्ट तो नहीं किया है। नेक्स्ट इज पीपीई किट। पीपीई किट सुनते तो हैं पर फुल फॉर्म नहीं पता होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब अगर कोई डॉक्टर या कोई भी किसी वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट के पास जा रहा है तो वो अपने पर्सनल प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए वो पीपीई पहने, इसलिए उसका नाम है पीपीई किट। नेक्स्ट वर्ड इज आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है किसी भी डिजीज का अचानक से सडनली बढ़ जाना, तो उसे आप बोलेंगे आउटब्रेक ऑफ द डिजीज। इसके लिए हिंदी वर्ड होगा विस्फोट। से बोलते हैं ना कोरोना का विस्फोट हुआ है, तो आप बोलेंगे देयर इज अ आउटब्रेक ऑफ डिजीज। नेक्स्ट वर्ड इज आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत।
अगर आपको बोलना है कि प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, तो आप बोल सकते हैं प्लीज डोंट आइसोलेट मी। ये तो हम बहुत यूज करते आ रहे हैं तो आपको ये पता होगा, फिर भी मैंने सोचा कि मैं इसे ऐड कर लेती हूँ। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है इंक्यूबेशन पीरियड। सो हमेशा हम कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम जब आपको कोरोना से इन्फेक्शन हुआ और सिम्टम्स डेवलप हुए, ठीक है, जैसे 1 तारीख को आपको इन्फेक्शन हुआ और सिम्टम्स डेवलप होने में आपको 7 दिन लगे, तो इन दोनों के बीच का जो समय है उसे आप बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट टर्म इज नोवेल। तो नोवेल कोरोना वायरस इसे बोला जाता है, आपको पता है, आपने कभी सोचा है कि ये क्यों बोला जाता है? अगर आपको नहीं पता तो आप आज समझ जाएंगे। इस वायरस को जो कोरोना नाम दिया गया है वो पहले से ही है, पहले से ये कॉइन किया जा चुका है किसी के द्वारा, ये पहले से ही था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी कोरोना वायरस आया है। कोरोना वायरस नाम तो पहले से ही है, पर इसका जो है वेरिएंट दूसरा है, ये दूसरे तरह का वायरस है, ठीक है, इसीलिए इसे बोला गया है नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल मतलब नया, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जो बहुत ही अलग है दूसरी टेक्नोलॉजी से, तो आप बोल सकते हैं दिस इज अ नोवेल टेक्नोलॉजी। अब इस वीडियो के आगे के पार्ट में जो मैं वोकैबुलरी डिस्कस करने वाली हूँ वो आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी यूज होंगे। पहला है डायग्नोज या डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि किसी बीमारी या इलनेस का डॉक्टर को पता चल जाता है। आपने सुना होगा ये टर्म यूज होते हुए कि ही इज डायग्नोज्ड विद कैंसर, शी इज डायग्नोज्ड विद कैंसर। तो इसका मतलब क्या होता है? डायग्नोज होना मतलब पता चलना किसी डिजीज का। अब देखते हैं डायग्नोसिस को आप सेंटेंस में कैसे यूज करोगे। सपोज आप किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है, अब उसने डायग्नोज कर दिया कि आपको ये बीमारी है या जो भी आपको है प्रॉब्लम उसने बता दिया। सपोज आप उस डॉक्टर के डायग्नोसिस से खुश नहीं है, आपको लग रहा है कि उसने सही पता नहीं किया है, तो आप बोलोगे आई एम नॉट हैप्पी विद द डॉक्टर्स डायग्नोसिस एंड आई एम गोना टेक अ सेकेंड ओपिनियन। मतलब आप किसी और डॉक्टर से पूछेंगे कि ये सही है कि नहीं, इसी को बोलते हैं आई एम गोइंग टू टेक अ सेकेंड ओपिनियन। द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज स्ट्रिंजेंट मेजर्स। सो आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में ये यूज होते हुए कि गवर्नमेंट को स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए। सो स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, कड़े मेजर्स। अब जो नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक पाइलिंग, ये आपको डे टू डे लाइफ में भी काम आएंगे। सो स्टॉक पाइलिंग का मतलब होता है किसी चीज को भंडारण करके रखना, मतलब उसको स्टोर करते जाना एक्सेस में। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा स्टोर करके रखना, जैसे होता है ना कभी प्राइस बढ़ने वाली रहती है तो हम जो है आलू प्याज भंडार करके रखते हैं या अपने घर में स्टोर करके रखते हैं, पहले से ही ले लेते हैं, तो इसी को बोला जाता है स्टॉक पाइलिंग। न्यूज़पेपर में ये वर्ड अक्सर सुनने को मिलता है, गवर्नमेंट हमेशा बोलती है प्लीज डोंट स्टॉक पाइल और प्लीज अवॉइड स्टॉक पाइलिंग, ताकि गरीबों को या दूसरे लोगों को जिनको जरूरत होगी उन्हें भी चीजें मिल पाए। सो होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू। जो नेक्स्ट है वो है शेल्टर इन प्लेस ऑर्डर। सो ये अक्सर बाहर के न्यूज़पेपर्स में आपको मिलेगा। शेल्टर इन प्लेस ऑर्डर का मतलब होता है कि जिस जगह पे आप हैं वहीं आप रहिए, आप बाहर मत निकलिए। तो जैसे लॉकडाउन मेजर्स बोलते हैं उसी को बोला जाता है शेल्टर इन प्लेस। नेक्स्ट वर्ड इज वीजिंग। सो वीजिंग का मतलब होता है कि जब भी आप सांस लेते हैं तो आपके सांसों से आवाज आती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके गले में कफ जमा हुआ है या आपको सर्दी है या कोई और जो है प्रॉब्लम है, इसके कारण आपके सांसों से आवाज आती है, तो उसे बोलते हैं ही और शी इज वीजिंग। जो लास्ट वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपको आर्टिकल्स में दिख जाएगा, फ्लैटन द कर्व। मैंने आर्टिकल्स में देखा है आजकल यूज होता है सोशल डिस्टेंसिंग विल फ्लैटन द कर्व। आप इस कर्व को पिक्चर देखिए, अगर जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाते हैं तो कर्व कैसे जाएगा, ग्राफ जो है ऊपर जाएगा, और अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हैं तो इन्फेक्शन वहीं रुक जाएगा या कम होगा, तो कर्व कैसा जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, बढ़ेगा नहीं, इसीलिए बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग विल फ्लैटन द कर्व। होपिंग कि आपको सारे मीनिंग समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको लगता है कि आपको इसके इंग्लिश सेंटेंसेस चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और कॉमेंट सेक्शन में, मैंने वहां पे सारा कुछ दे रखा है। इस वीडियो को यंगस्टर्स में फैलाइए, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग समझ पाए और अपनी नॉलेज बढ़ा पाए, और कभी भी कोई आर्टिकल पढ़ते हैं कोरोना से रिलेटेड तो उनको समझ में आए कि ये टर्म्स क्या होते हैं या इनका मतलब क्या होता है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स फैमिली और अपने इंस्टा हैंडल या फेसबुक हैंडल, जहां भी आपको लगता है वहां पे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आप इंस्टा पे हैं तो हमारा जो पेज है letterpetty01 उसे फॉलो करना मत भूलिएगा। एंड एट लास्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। कोशिश कीजिए कि यू वेयर मोर ऑफ मास्क व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर होम्स,
और अगर आपको लगता है कि ज्यादा जरूरत नहीं है देन प्लीज डोंट स्टेप आउट ऑफ योर होम्स. दिस वॉज ऑल फॉर टूडे. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग लेसन. थैंक यू सो मच.